मेरा नाम शक्ति कुमारी है, मैं आरती गर्ल्स हाई स्कूल चंदवा में साइंस की टीचर हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 से, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना को समझने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि परमाणु होता है। तो परमाणु किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण है, जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि अगर ये चौक है और अगर हम इसको घिस रहे हैं तो ये जो पाउडर जैसा नीचे गिर रहा है वो इस चौक का सबसे छोटा कण होगा, और उसी कण को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। परमाणु की और एक विशेषता क्या है, तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण तो है ही साथ में, अब इसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, छोटे टुकड़े में इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। अब ये जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसको छोटे टुकड़े में तोड़ भी नहीं सकते, फिर भी वो परमाणु की संरचना कर रहा है। यानी कि ये जो परमाणु है कुछ और कणों से मिलकर बना हुआ होगा, तभी हमको इसकी संरचना देखने की जरूरत पड़ रही है। तो परमाणु जो है वो, अब ये जो परमाणु है यह और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उस छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, अब परमाणु, ठीक है। और उस अपरमाणु जो है वो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा है, तो सबसे पहले है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये जो परमाणु है ये हमेशा सर्कल में एक गोले के रूप में संरचना इसका होता है, ठीक है। अब इस संरचना में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी कक्षा, ये जो है सर्कल जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में गति करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, तो ये इस परमाणु के, इसको हम लोग बोलेंगे नाभिक। परमाणु के नाभिक में हमारा कौन कौन उपस्थित रहेगा, तो प्रोटॉन पाया जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन पाया जाएगा।